जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ करना है, उसूल तफसीर। तो उसूल तफसीर, उसूल से क्या मुराद है? उसूल असल की जमा है। क़ुरान मजीद ने इस लफ्ज़ को जड़ के माने में इस्तेमाल किया, जैसा शजर तय्यबा की मिसाल देते हुए कहा ना, असलुहा साबितुम व फरुहा फिस्समा, कि उसकी असल और शजर तय्यबा की यानी जड़ तो इसी से ये असल के माने में, जड़ के माने में। यानी अब देखें ना कि अगर दरख्त की जड़ ना रहे तो दरख्त ही नहीं रहता, ठीक। तो इसी तरह से अगर उसूल ना हो तो फिर आप जुज़ियात को मुरतब नहीं कर सकते, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। यानी जड़ के बग़ैर शाखों का कोई तसव्वुर नहीं, ठीक है। तो इसी तरह उसूलों के बग़ैर तफसीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि आयात की तफासीर वो शाखें हैं ना जो किसी जड़ पे खड़ी हैं। तो इसलिए उन उसूलों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जिनका ताल्लुक जो है वो तफसीर से है। और तफसीर खोल देने के माने में इस्तेमाल होता है, बयान करना। तफसीर का बुनियादी माना है खोलना, बयान करना, वजाहत करना, एक्सप्लेन करना। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तावील, जैसे कुरान में वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, ठीक है। सूरह आल इमरान के शुरू में मुहकमात और मुतशाबिहात दो किस्म की आयात का तस्करा है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, मुहकम आयात क्या हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात हैं। मुहकम तो उम्मुल किताब हैं, कुछ मुतशाबे हैं। तो मुतशाबे के बारे में कहा की तावील अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो तावील के यहां पे दो मानी बयान किए गए इस आयत की तफसीर में, ठीक। एक माना तो वही है जिसे हम तफसीर कहते हैं, तावील बमाना तफसीर। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन वगैरह तावील के लफ्ज़ को इसी माना में इस्तेमाल करते हैं। किस माना में? तफसीर के माना। और यानी ये दोनों मुतरादिफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसी आयत में एक दूसरा माना बयान किया गया है तावील का, और वो है हकीकत। तावील का माना क्या है? हकीकत, रियलिटी क्या है। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, मुतशाबे आयात की हकीकत क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। मुतशाबे आयात हम उन्हीं को कहते हैं ना, जैसे हरूफ मुकत्तात हैं, ठीक है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, या फिर वो आयात जिनका ताल्लुक जो है वो सिफात से है, सिफात बारी ताला से, या जन्नत जहन्नम की सिफात बयान हुई हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हम तो ओवरऑल एक तो हम ये बात कह रहे हैं ना, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, ठीक है। कुरान मजीद में एक लफ्ज़ आ गया ना, तो जब लोगों ने कहा कि इस लफ्ज़ के क्या मानी है, तो लोगों ने सबसे पहले उस लफ्ज़ को कुरान में देखा। मतलब जिन्होंने तावील को डिफ़ाइन करना चाहा तो उन्होंने भी सबसे पहले कोई ना कोई बुनियाद तो बनाएंगे कि हम ये कह रहे हैं कि तावील का ये माना है, तो हमारे पास दलील क्या है, ठीक है। तो वो तावील की जो दो डेफिनेशंस की गई हैं वो उस आयत से निकली हैं, ठीक। तो बुनियाद उनकी आयत है लेकिन उनकी मुराद आम है।
वाजी होगी बात। तो अगर तो खबर है तो खबर की हकीकत क्या है, और अगर अम्र है यानी आयात में या तो खबर हो सकती है या फिर उसमें कोई हुक्म हो सकता है, ठीक है। तो अम्र है तो उस पे अमल, ये उसकी तावील है, ठीक है। क्योंकि तावील का लफ्ज अव्वल से है ना, अंजाम के माने में, यानी किसी बात को उसके अंजाम तक पहुंचा देना। अमर का अंजाम क्या है, आर्डर का अंजाम क्या है कि आप उस आर्डर को पूरा करके दिखा दें। खबर का अंजाम क्या है कि आप उस खबर की हकीकत तक पहुंच जाएं। क्लियर हो रही है ना बात। तो तावील के दो मानी किए गए हैं। एक माना ये है कि ये तफसीर के मुतरादिफ है, सहाबा ताबीन तबा ताबीन ने इसी माने में तावील के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया तफसीर के माने में, ठीक है। यानी कुरान मजीद के किसी लफ्ज़ को खोल कर बयान करना, कुरान के किसी लफ्ज़ में जो इबहाम है उसको रफ़ा करना, उसको दूर कर देना, उसकी एम्बिग्विटी को ख़त्म कर देना, उसके इजमाल की तफसील कर देना, उसमें जो गुमूज है, गुमूज समझते हैं जो खिफा है, ठीक है, उस खिफा से पर्दे उठा देना, ये तफसीर है। ये बात जहन में रखनी है कि तफसीर जो है वो टेक्स्ट, टेक्स्ट को खोलने का नाम है। टेक्स्ट के अंदर अपने मानी दाखिल करने का नाम नहीं है। क्लियर हो रही है बात। एक मतन है जैसे कुरान मजीद, ठीक है, वो मानी उन अल्फाज के अंदर हैं, वो मैंने निकालने हैं, ना कि बाहर से कुछ मानी मैंने अल्फाज में डाल देने। लोगों ने इस माने में भी तफसीर को इस्तेमाल किया है, अपनी जेब से मानी निकाले और कुरानी अल्फाज में डाल दिए। समझ रहे हैं ना बात। इसमें फिक इस्तेमाल नहीं होगी जी, फिक इस्तेमाल नहीं होगी, फिक इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, वो यही तो हमने पढ़ना है कि क्या तफसीर है क्या तफसीर नहीं। जब तक वो माना लफ्ज से निकल रहा है, लफ्ज से निकल रहा है, जब तक आप या मुफस्सिर दिखा रहा है कि ये माना लफ्ज में से ही निकल रहा है, मैं अपने दिमाग से उसमें नहीं उंडेल रहा, ठीक। लेकिन आपने बर्तन से दूध निकालना है ना, तो कुरान मजीद के अल्फाज मजरूफ हैं एक बर्तन की मानिंद है, ठीक है, उनके अंदर कुछ मानी पड़े हैं, वो उन अल्फाज के अंदर पड़े हुए मानी हैं जो हमने निकालने हैं, जो मुफस्सिर ने निकालने हैं, इसको तफसीर कहते हैं। ना तो ये कि पहले अपने बर्तन में से कुछ गंदगी निकाले, अपनी जेब में से, पॉकेट में से, और उस बर्तन में डाल दे, फिर उसमें से निकाल के दिखा दे किसी मैजिशियन जादूगर की तरह, देखो मैंने यहाँ से निकाला, ठीक। ये ड्रामेबाजी भी लोगों ने की है तफसीर के नाम पे। तो उसूल तफसीर की क्या तारीफ हुई फिर बताएं जी। कुरान मजीद के टेक्स्ट या मतन को खोल कर बयान करने के लिए, या कुरान मजीद में जो गुमूज है, जो खिफा है, जो इबहाम है, उसको दूर करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, ठीक है, वो उसूल तफसीर कहलाते हैं। उसूल तफसीर और उलूम कुरान में भी फ़र्क है, यानी उलूम कुरान, साइंसेज ऑफ कुरान, वो उलूम जिनका ताल्लुक कुरान से है। तो उलूम कुरान एक उमूमी इस्तिलाह है, उसूल तफसीर उसका एक जुज है। यानी उलूम कुरान की जो किताबें हैं
उनमें एक बाब एक चैप्टर उसूल तफसीर का होता है। एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कवायद तफसीर। कवायद तफसीर का जो लफ्ज़ है ये ख़ास है और उसूल तफसीर का लफ्ज़ आम है। जिस तरह हमने उसूल फ़िक्र में पढ़ा था कि उसमें सिर्फ वो उसूल नहीं थे जो कि जिनके ज़रिए से हम इस्तिम्बात या कोई मसला जो है वो किताब व सुन्नत की नुसूस से कैसे अखज़ करते हैं, सिर्फ वो नहीं थे, बल्कि हमने उसमें क्या पढ़ा, मसादिर शरीयत की बात भी पढ़ी, इज्तिहाद की बात भी पढ़ी, हुक्म की जो उससे रिलेटेड बातें थी। इसी तरह से उस कवायद तफसीर से मुराद तो डायरेक्ट वो कवायद हैं, वो लुगवी कवायद हैं जिनकी रोशनी में आप क्या करेंगे, कुरान मजीद की तफसीर करेंगे। और उसूल तफसीर से मुराद और भी कुछ रिलेटेड डिस्कशंस आ जाती हैं इसमें, जैसे हाँ कवायद तफसीर जो है वो कवायद लुगवी अरबिया की तरह की चीज़ है। यानी अगर तफसीर में इख्तिलाफ हो जाए तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं कवायद तरजीह, ठीक है, जिनके ज़रिए आप एक मुफस्सिर की तफसीर को दूसरे पे तरजीह देंगे, ये कवायद तफसीर है मिसाल के तौर पे। उसूल तफसीर में सिर्फ ये नहीं है, उसूल तफसीर में मिसाल के तौर पे ये बात भी आ जाती है कि मिनहाज तफसीर क्या है, मनहज समझ रहे हैं ना, आपकी अप्रोच क्या है कुरान मजीद को एक्सप्लेन करने के हवाले से, डिफरेंट अप्रोचेज हैं ना। मिसाल के तौर पे कुछ अप्रोचेज ऐसी हैं जिसे आप कह सकते हैं कि जी वो लुगवी हैं, लुगत के एतबार से कुरान मजीद की तफसीर करते हैं। कुछ मुफस्सिर ऐसे हैं कि जो अकली अप्रोच के साथ कुरान मजीद की तफसीर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी अप्रोच हदीसी होती है, असरी होती है, यानी रिवायात के ज़रिए से अहादीस के ज़रिए से कुरान मजीद की तफसीर, तो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। इसी तरह ये कि मसादर तफसीर क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं तफसीर के, कहाँ से आपने तफसीर लेनी है, मसादर तफसीर तो उसमें आ जाते हैं ना उसूल तफसीर में। कवायद तफसीर तो डायरेक्ट वो कवायद हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये एक कायदा है कि लफ्ज़ के उमूम का एतबार होगा, सबब का एतबार नहीं होगा। देखिए बात यह है कि तफसीर तफसीर है, जो आप कह रहे हैं इसको इस्तिम्बात कहते हैं, इसकी बात आगे आ रही है, यानी नुक्ता रसी और चीज़ है, नुक्ता रसी और चीज़ है, वो तफसीर में नहीं है। हमने कहा तफसीर तो वो है जो लफ्ज़ को आपने बयान करना है, लफ्ज़ को खोलना है कुरान मजीद की, ये तफसीर है। लेकिन सहाबा ताबीन तबा ताबीन से तफसीर के अलावा भी कुरान के हवाले से कुछ मनकूल है, उसको हम तफसीर नहीं कहेंगे, वो इस्तिम्बात है। उसकी मिसालें हम आगे पढ़ेंगे, मिसालें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी उसूल तफसीर के मौजूआत नेक्स्ट क्या है, उसूल तफसीर के मौजूआत क्या है। हमने कहा ना कवायद तफसीर और उसूल तफसीर में फ़र्क है, ठीक है। तो कवायद तफसीर उसूल तफसीर का एक जुज है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। उसूल तफसीर में जैसे मसादर तफसीर क्या हैं, मनाहिज तफसीर क्या हैं, सोर्सेज ऑफ तफसीर क्या हैं, आपने तफसीर ली कहाँ से है। जैसे अक्ल जो है मिसाल के तौर पर, अक्ल ये मसादर तफसीर में से है, लुगत मसादर तफसीर में से है, लुगत अरब, ठीक है। आसार सहाबा और ताबीन ये मसादर तफसीर में से है, ठीक। मनाहिज तफसीर मैंने आपको बताया कि वो अप्रोचेस जो आपकी हैं,
जैसे आप कोई थीसिस लिखते हैं ना, तो कुछ आपके सोर्सेज होते हैं ना, आपकी बिब्लियोग्राफी है, ठीक है, और कुछ आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी है। तो मनाहिजे तफसीर बेसिकली क्या है? रिसर्च मेथडोलॉजी है, वो अप्रोचेज हैं, जो वो टेक्निक्स हैं जो आपने लगाई हैं अल्लाह की मुराद तक पहुंचने के लिए। दूसरा जो बड़ा मौजू है उसूल तफसीर का, वो है तफसीरी इख्तिलाफात, यानी तफासीर का जो ज़खीरा हमारे पास मौजूद है उसमें अब ज़हरी बात है बहुत इख्तलाफात हैं। उर्दू की तफासीर आप सिर्फ ले लें, बल्कि किसी भी ज़ुबान की ले लें, अरबी की ले लें, बहुत इख्तलाफात हैं। तो तफसीरी इख्तलाफात जो है उसके पीछे असबाब क्या होते हैं, रीज़न्स क्या हैं? जब रीज़न्स की बात आएगी तो फिर आप उसूल डिफ़ाइन करेंगे, फिर आप उसूलों की तरफ जाएंगे। तो तफसीर के इख्तलाफात के पीछे असबाब क्या हैं, और फिर तफसीरी इख्तलाफात की अनवा, टाइप्स, किस्में। क्योंकि अक्सर बेशतर जो तफसीरी इख्तलाफात है वो तजाद का नहीं होता, यानी उसमें कंट्रडिक्शन नहीं होती, बल्कि उसमें वैरायटी होती है, वो इख्तलाफ तनव्वो होता है, वैरायटी का इख्तलाफ होता है, और वैरायटी का इख्तलाफ बेसिकली इख्तलाफ शुमार नहीं होता। तीसरी चीज क्या है? कवायदे तफसीर। तो कवायदे तफसीर में एक तो वो कवायद हैं, वो उसूल हैं, रूल्स हैं, कि जिनके जरिए आपने कुरान मजीद की तफसीर करनी है, यानी किसी लफ्ज को खोलना है, कुरान मजीद के किसी आयत के मानी को बयान करना है। और दूसरा क्या है? कवायद तरजीह, यानी मुख्तलिफ जो तफासीर मरवी हैं कुरान। अब जहरी बात है, आप तफसीर करने बैठेंगे तो आप पहले आदमी तो नहीं है ना, आपसे पहले लाखों हो चुके जिन्होंने आयात के मानी बयान कर दिए, अब उनमें इख्तलाफ भी है। तो दूसरा बड़ा मौजू जो है वो कवायद तफसीर का, कवायद तरजीह हैं, इख्तलाफ की सूरत में किन कवायद की रोशनी में आप एक तफसीर को दूसरी पर तरजीह देंगे। और ये हम मिसालों से पढ़ेंगे, सलफ़ कैसे तरजीह देते थे। तो उसूल तफसीर की गर्ज़ो गायत, उसूल तफसीर की गर्ज़ो गायत जो है, यानी जिसे आप कहते हैं ना, जब भी कोई आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, जब भी यूनिवर्सिटी में आप क्या को कोर्स पढ़ते हैं तो उसके पहले ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करते हैं ना, मकसद क्या है इस कोर्स का, जैसे आपको क्या फ़ायदा क्या हासिल होगा ये कोर्स पढ़ के, ठीक है। तो गर्ज़ो गायत यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हक और राजी तफसीर की मारिफत, देखिए ना तफसीरें तो बहुत सारी हैं ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा सही तफसीर कर रहा है ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी तफसीरें, बाज़ औक़ात आप समझ भी रहे होते हैं और आप कह भी रहे होते हैं यार इसने बिल्कुल गलत माने बयान किया, इसने ठीक तफसीर नहीं की, लेकिन कोई आपसे पूछे भाई क्यों नहीं की, ठीक है, फलां क्यों गलत तफसीर कर रहा है, फलां की तफसीर क्यों ठीक है, आपके पास बेस क्या है, बुनियाद क्या है। तो ये बेसिकली इसकी गर्ज़ो गायत है कि हक, एक तो हक, हक से मुराद सही तफसीर, ठीक है, राजे से मुराद मुख्तलिफ तफासीर हैं तो उनमें से किसको आप प्रेफर करेंगे, तो क्यों करेंगे, इसलिए तो नहीं कि मेरा दिल कर रहा है। दूसरा क्या है? जो बातिल तफसीर है, जो गलत तफसीर है, उसकी मार्फत आपको हासिल हो जाए, और जो कमज़ोर राय है तफसीर के हवाले से उसकी मार्फत हासिल हो जाए। उसूल तफसीर की तारीख, यानी ये इल्म जो है वो कैसे मुदव्वन हुआ, हर सब्जेक्ट जो है, हर इल्म कैसे मुदव्वन हुआ, उसकी एक तारीख है, उसकी एक हिस्ट्री है,
तो तीन मराहिल हैं, यानी उसूल तफसीर की जब हम कंपाइलेशन की बात करते हैं तो इसके तीन मराहिल हैं। सबसे पहले कुछ आसार हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रिवायात हैं, कुछ सहाबा के आसार हैं, कुछ ताबीन और तबा ताबीन के आसार हैं, यानी जिसे हम सलफ सालहीन के आसार कह सकते हैं, यानी कुछ रिवायात हैं, कुछ बकायदा इल्म नहीं है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिए कभी किसी सहाबी को समझाते हुए कि भाई आयत की तफसीर यूं करते हैं, या किसी सहाबी ने कुछ कवायद बयान कर दिए, या ताबीन तबा ताबीन ने कुछ जाब्ते बयान कर दिए। तो पहला मरहला तो ये है कि ज़ुबानी कलामी जो है वो कुछ उसूल हमें मिलते हैं जो कि रिवायात में हैं या सारे सहाबा और ताबीन में। सही बुखारी में है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि किसी साहब ने जो है वो किसी नामहरम औरत का बोसा ले लिया, फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मतलब आया तो इसलिए कि आप मेरे ऊपर कोई हद जारी कर दे, मुझसे ये गुनाह हो गया। तो कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, वाकिम सलाता तरफ़ नहारि व ज़ुल्फ़ मिन अल्लैल, नमाज कायम करें आप दिन के दोनों हिस्सों में और रात के हिस्सों में, यानी जिसे हम पांच वक्त की नमाजें कहते हैं। इन्नल हसनात युदहिबन सय्यात, नेकियां क्या करती हैं, गुनाहों को मिटा देती हैं। तो इससे क्या मुराद है, अल्लाह के रसूल ने उसे कहा कि तुम पांच वक्त की नमाज पढ़ो, तुम्हारे ऊपर कोई हद जारी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नमाज से तुम्हारा गुनाह माफ़ हो जाएगा। तो उसने आगे से सवाल कर लिया, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ये आम है। तो अब यहाँ से एक उसूल बन रहा है। तो वो उसूल क्या है? उसूल ये है कि एतबार शान नुजूल का नहीं होगा, एतबार लफ्ज़ के उमूम का होगा। शान नुज़ूल समझते हैं ना, कि वो रीज़न जिस वजह से कोई आयत नाजिल हुई, ठीक है, तो नाजिल तो उस सहाबी की वजह से हुई है, उसने सवाल पूछा, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी, अब उसके बारे में वो आयत नाजिल हुई है, लेकिन वो आयत उसके बारे में ख़ास नहीं है। तो जो जो आयात जिन जिन लोगों के बारे में नाजिल हुई हैं, हमें पता भी चल जाए कि ये आयात फ़लाँ कबीले फ़लाँ ख़ानदान फ़लाँ शख्स के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन वो आयत उस कबीले उस ख़ानदान उस शख्स के साथ ख़ास नहीं होती, वो आयत अपने माने में क्या होती है, आम होती है, उसका लफ्ज़ आम है। तो एतबार लफ्ज़ के उमूम का होगा, यानी कुरान मजीद के लफ्ज़ के अंदर जो उमूमियत है उसका एतबार होगा, ना कि उसके ख़ास सबब का कि किस स्पेसिफिक रीज़न से वो नाजिल हुई। इसी तरह सही बुखारी की एक रवायत है अब्दुल्ला बिन माकिल से, वो ये कहते हैं कि मैं काब बिन उजरा, ये एक सहाबी हैं, उनके पास बैठा तो मैंने उनसे फिदिये के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो फिदिये से मुतालिक आयात हैं, नज़लत फी यहासा, ये ख़ास मेरे बारे में नाजिल हुई, वही लकुम आमा, लेकिन तुम सब के लिए आम है, यानी नुज़ूल के एतबार से वो ख़ास थीं, एक ख़ास वाक़े एक ख़ास इवेंट उसमें वो नाजिल हुई है, लेकिन अपने मानी में अपने मीनिंग में वो क्या हैं, वो आम है, ठीक, मतलब उनका वाक़या आम है ना, कि अल्लाह के रसूल के पास आए थे और जुएँ जो है वो उनके सर में पड़ गई थी, हालत इहराम में थे ना,
तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो, अज़ियत में हो। वो जुएँ इतनी ज़्यादा पड़ गई थी, वो मतलब चेहरे पे गिर रही थी। अब हालत इहराम में बंदा बाल तो नहीं कटवा सकता ना, तो अल्लाह के रसूल ने फिर उन्हें कहा था कि तुम बाल कटवा सकते हो। सूरह बकरा में है ना कि जिसके सर में कोई तकलीफ़ हो, अज़ियत हो, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने बाल जो है वो मुंडवा सकता है और फिर फ़दिया देगा। अब ये ख़ास इनके बारे में नाजिल हुई, लेकिन अपने माने के अतबार से क्या ये आयत आम है। इमाम इब्न जरीर तबरी, अच्छा तबरी जो है ना, ये आप समझें कि तफसीर का इंसाइक्लोपीडिया है, यानी तफसीर की आगे हम देखेंगे दो बड़ी किस्में की गई हैं, एक जिसे हम तफसीर बिल मासूर कहते हैं और एक जिसे हम तफसीर बिल राय कहते हैं। यानी तफसीर बिल मासूर उसको कहते हैं जो रिवायात की रोशनी में की जाए, कुरान की तफसीर कुरान से करना, हदीस से करना, सहाबा से अकवाल से करना, तबा ताबीन ताबीन के अकवाल से करना, ये तफसीर बिल मासूर है। ठीक है, असरी तफसीर, रिवायती तफसीर, रिवायात की रोशनी में कुरान मजीद के मानी बयान करना। तफसीर बिल राय, ज़ाहिर बात है अपने इज्तिहाद से राय से तफसीर करना। तो तफसीर बिल मासूर में ये एक इंसाइक्लोपीडिया है तफसीर तबरी जो है। तो तफसीर तबरी मतलब तफसीर तबरी का एक और खासा है, आम तौर पे तफसीर बिल मासूर जो है ना, जैसे तफसीर इब्ने कसीर भी तफसीर बिल मासूर है, लेकिन उन्होंने अकवाल बयान की, सनदें नहीं बयान की। इब्ने जरीर तबरी का ये खासा है कि उन्होंने किसी भी सहाबी ताबी या तबा ताबी का कोई तफसीरी कौल नकल किया है तो अपने से लेके उन तक सनद बयान की। तो गोया सहाबा ताबीन तबा ताबीन की जो तफासीर थी वो उन्होंने असनाद के साथ जमा कर दी, असनाद के साथ। ठीक है, कुछ के असनाद कमज़ोर भी हैं, अब तो वो उसकी तहकीक भी आ चुकी है, लेकिन वो बाद का मसला है। लेकिन ये एक बड़ा काम था कि सनद के साथ। अब तो आप देखें ना, मतलब आम तौर पे तफासीर में क्या लिखा होता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर ही है रदी अल्लाह वान। अब जहरी बात है भाई, आपके पास उसकी कोई सनद है कहाँ पर है? बल्कि एक तो वो तफसीर इब्ने अब्बास के नाम से एक झूठी तफसीर जो है वो, हाँ तनवीरुल मिकबास के नाम से, वो 800 साल बाद कहीं जाके लिखी गई, वो भी एक लुगवी थे बेसिकली, वो लुगत के इमाम थे जिन्होंने वो जमा की मुरतब की। तो वो भी साबित नहीं है। तो तफसीर तबरी में क्या है कि एक रावी जो है वो सईद बिन जुबैर से कहता है, सईद बिन जुबैर जो है वो जलीलुल कदर ताबीन में से, कि ये जो आयत है सूरह रात की, ये सूरह रात की आखिरी आयत है 43, वमन इंदहु इल्मुल किताब, इससे क्या मुराद है? क्या इससे मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम है? यानी पीछे आयत का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कह दें, मतलब अल्लाह के रसूल दावा कर रहे हैं ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ठीक है, और जो भी आप सल्लम के क्लेम्स हैं तो आप कह दें कि ये जो मेरे क्लेम्स हैं तौहीद का है या जो भी है, तो इस पे एक तो अल्लाह गवाह है, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, काफ़ी अल्लाह ताला गवाह होने के अतबार से मेरे और तुम्हारे दरमियान। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो जिसके पास किताब का इल्म है, यानी अल्लाह जानता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ और वो भी जानता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ जिसके पास किताब का इल्म है। अब ये कौन है वमन इंदहु इल्मुल किताब, ये कौन है? सईद बिन जुबैर से ये सवाल हुआ कि ये क्या अब्दुल्ला बिन सलाम है? अब्दुल्ला बिन सलाम तो जानते हैं ना, यहूदी उलमा में से थे जो इस्लाम जिन्होंने कबूल कर लिया। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, ये सूरत मक्की है,
सूरह रात क्या है? मक्की सूरत है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कैसे हो सकते हैं? वो तो मदीना में ईमान लेके आए। तो फिर सवाल पैदा हुआ कि अब ये कौन है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसको फिर आयत को इस तरह से पढ़ा, वमिन इंदी ही इल्मुल किताब। मन नहीं पढ़ा इसको, क्या पढ़ा? मिन। मिन हर्फ जार हो गया ना, व मिन इंदी ही। अब क्या मानी बनेगा? कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह होने के एतबार से काफी है, और ये किताब का इल्म अल्लाह ही की तरफ से है, यानी जो किताब मेरी तरफ नाजिल की गई। उन्होंने कहा कि ये इस माने में, लेकिन ऐसी कोई मारूफ किरात नहीं है। लेकिन यहां से ये जरूर पता चलता है कि आयात की नुजूल की जो तारीख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुरान मजीद को समझने में, कुरान फहमी में या तफसीर में। यानी जिसे हम ये कहते हैं कि जी मक्की आयात है, मदनी है, इसका जानना कि ये मक्की सूरत है, मदनी है, मक्की आयात है, मदनी आयात है, तो कुरान मजीद या कुरान फहमी में आपको गलत फहमी लग सकती है अगर आप ये फ़र्क ना कर सकते हो, आप गलत मानी तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं है, अगरचे कुछ अहले इलम ने कोशिश की है, वो एक इज्तिहादी काविश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जी अक्सर व बेशतर जो है उसमें एक मोटा मोटा कि यही तरतीब है। लेकिन मुतय्यन तौर पे आप कहें कि कोई कतई दलील है हमारे पास कि वो इसी तरह से नाजिल हुआ, तो वो हम नहीं कह सकते, इल्ला ये कि जिसके ऊपर जो है वो इजमा हो जाए। मतलब जब मुफस्सरीन तफसीर लिखते हैं ना, तो वो लिखते हैं कि ये आयात गज़वा तबूक के मौका पे नाजिल हुई, मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब सब ने यही लिखा है तो अब ये मुजमा अलैह बात हो गई, एग्रीड अपॉन हो गई, अब ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा हर आयत के बारे में नहीं होता। सूरह नसर को जैसे कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये मक्की है, कुछ कहते हैं ये मदनी है, ठीक, वो हम आगे देखेंगे कि कौन सा कौल सही है। इसी तरह हज़रत कतादा से ये मरवी है, वमन इंदहु इल्मुल किताब, वो ये कहते हैं कि इससे मुराद कोई भी शख्स हो सकता है जिसके पास किताब का इल्म हो, और यही बात बेहतर है। जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी थे, मतलब जो लोग क्रिश्चियनिटी से इस तरफ आए या यहूदियत से इस तरफ आए, अब्दुल्ला बिन सलाम या तमीमदारी थे, और भी लोग थे, तो वो सब इसमें मुराद हो सकते हैं। कुरान मजीद में एक और आयत है मुशरिकीन मक्का के बारे में, इन यदून मिन दूनिही इल्ला इनासा, कि ये नहीं पुकारते अल्लाह के अलावा मगर इनास। इनास का एक माना जो मारूफ है वो तो यही किया गया है कि ये उनसा की जमा है, मुअन्नस, यही मारूफ माना है लुगत अरब में, कि ये फीमेल्स के लिए बोला जाता है। जैसा कि अरबों ने अपने बुतों के नाम लात, मनात, उज्जा, ठीक है, ये सब क्या है? लात इलाह की मुअन्नस थी, उज्जा अज़ीज़ की मुअन्नस थी, ठीक, तो ये सब जो है वो मुअन्नस नाम थे उनके बुतों के, तो आम तौर पे यही माना किया गया।
लेकिन बाज़ लोगों ने जो है वो इनास को वसन से लिया है, बुत की जमा, क्योंकि अरबी में वाव जो है वाव वो अलिफ से बदल जाती है। वह इधर रसूलो उक के तत्, यह असल में था वुक के तत्, वक्त से, इसका असल मादा वाव काफ्ता है। तो वो ये कहते हैं कि इनास असल में वसन से, वसन किस को कहते हैं, बुत को, वसन की जमा है ये, वसन की, वसन की जमा जो है वो ओनो था, तो यहां बुत मुराद है। लेकिन इब्न जरीर तबरी ने यही कहा है कि हम ये देखेंगे कि लुगत अरब में अगरचे दूसरा माना जिन्होंने बयान किया उन्होंने अरबी से उसकी दलील भी दे दी, उन्होंने कहा कि ये इनास नहीं है, ये ओनस है और ये वसन की जमा है, वसन की। तो अगर कोई पूछे कि भाई वाहिद में वाव था, जमा में कहाँ चला गया, तो वो ये कहते हैं कि अरबी ज़ुबान में ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं कि जिनमें वाव जो है वो हमज़ा से बदल जाती है, जैसे कुरान ने इस्तेमाल किया भाई इधर रसूल उक्तत। तो इब्न जरीर तबरी ये कहते हैं कि भले उनके पास इस इस्तिदलाल में कोई ना कोई तौजीह मौजूद है, वो जो तफसीर कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई वो तौजीह जस्टिफिकेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन अहले अरब के यहाँ ये इनास का लफ्ज़ बुत की जमा के लिए नहीं बोला जाता बल्कि ये मुअन्नस की जमा के लिए बोला जाता है, तो इसलिए हम अहले अरब का मारूफ माना लेंगे। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि मारूफ माने को तरजीह यानी प्रिंसिपल क्या डिराइव हुआ कि अरबों के यहाँ किसी लफ्ज़ का जो मारूफ माना है उसको तरजीह हासिल होगी उस माने पे जो कि एक गैर मारूफ माना है। एक लफ्ज़ के एक से ज़ायद मानी हो सकते हैं ना, एक माना मारूफ हो जाता है, बाज़ औक़ात उस लफ्ज़ का कोई ऐसा माना भी होता है जैसे आपको कोई बयान करता है कहते अच्छा इसका ये मतलब भी है, हाँ इस मतलब में भी हमारे अदीबों ने इस्तेमाल किया। दूसरा मरहला क्या है, यानी पहला मरहला तो बताया कि जैसे रिवायात हैं उससे कुछ उसूल, उसूल तफसीर के अहले इलम ने ले लिए, कुछ आसार सहाबा से ले लिए, कुछ ताबीन और तबा ताबीन के आसार से उसूल ले लिए। दूसरा मरहला ये है कि जब बाकायदा उसूल तफसीर मुदवन होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो है वो मुफस्सिरीन के मुकद्दमात, यानी जब तफसीर लिखते थे मुफस्सिरीन तो उसका एक मुकद्दमा, उसका एक इंट्रोडक्शन लिखते थे, जैसे आज भी किताब का एक मुकद्दमा लिखा जाता है, तो उस इंट्रोडक्शन में वो क्या करते थे, वो तारुफ करवाते थे। मुकम्मल तफसीर, सबसे पहली मुकम्मल तफसीर जो हम तक पहुंची है वो मुकातिल की है, ये तबा ताबीन में से है, मुकातिल तफसीर, मुकातिल किताल से, मुकातिल, मुकातिल बिन सुलेमान 150 में इनकी वफ़ात हुई, 150 में, यानी कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मुकम्मल तफसीर इनकी हमें मिलती है। इससे पहले तफासीर हैं लेकिन वो क्या हैं, वो आयात की हैं, मुकम्मल जो है ना वो इन्होंने की। तो इन्होंने अपनी तफसीर के मुकदमे में जो है वो कुछ उसूलों का तज़करा किया। फिर दूसरी जो तफसीर हमें मिलती है इसके बाद यहया बिन सलाम की, इनकी वफात हुई 200 हिजरी में, इन्होंने भी अपनी तफसीर के मुकदमे में जो है वो कुछ उसूलों की वजाहत की। इन्होंने कहा कि जी 12 उसूल हैं जिनका जानना किसी मुफस्सिर के लिए ज़रूरी है। यहया बिन सलाम,
वो 12 उसूल, जैसे उन्होंने कहा कि जी मक्की है, मदनी आयात हैं ये जानना, नासिख हैं, मनसूख हैं ये जान ले, ठीक है, ख़ास है, आम है, फिर ज़मायर का इल्म उसको होना चाहिए, लुगत अरब का इल्म होना चाहिए। तो इस तरह से तो सबसे पहले गोया कि तफासीर के मुकद्दमात में मुफस्सिरीन ने उसूल बयान करने शुरू किए। फिर मुकद्दमा जो तफसीर तबरी का है, ये बहुत अहम है, ख़ास तौर पे इन्होंने आके सबसे पहले ये बहस खड़ी की तफसीर बिल मासूर और तफसीर बिल राय की, और खोल के बयान की अकवाल की तफसीर बिल राय क्या है, मज़मूम में ये इस तरफ गए, तफसीर बिल राय मज़मूम में। इबन जरीर तबरी, आगे हम चल के इसके बारे में पढ़ेंगे मुस्तकिल, तफसीर बिर राय के बारे में, अपनी राय से तफसीर करना। फिर इमाम रागिब की तफसीर का मुकदमा है, तफसीर रागिब जिसे कहते हैं, हाँ, इमाम रागिब अस्फहानी। तो ये पहला मरहला था। दूसरा, कुतुब तफसीर के मुतून, यानी कुतुब तफसीर के जो टेक्स्ट हैं, कुतुब तफसीर को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे मुकामात पे क्या करते हैं, तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन कायदा बयान कर जाते हैं कि ये कायदा है जिसके तहत हम इसकी ये तफसीर कर रहे हैं, या इस तफसीर को हम इस कायदे के तहत प्रेफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात ना बड़े ज़ोर से कहते थे, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह, बड़ी खिदमात हैं उनकी, खैर, कुरान मजीद के हवाले से, लेकिन बहरहाल इल्मी बात तो खैर वो इल्मी बात ही होती है। वो ये कहते थे कि कुरान मजीद के हवाले से हमारे उलमा ने कोई खिदमत नहीं की। डॉक्टर साहब की खिदमत बहुत ज़्यादा है, हम उसका इनकार नहीं कर रहे, और वो उसके लिए मिसाल के तौर पे ये कहते थे कि जी देखें पूरी उम्मत की तारीख में उसूल तफसीर के ऊपर दो छोटे से किताबचे मिलते हैं, एक इबन तैमिया का और एक शाह वलीउल्लाह देहलवी का, ठीक है, किसी ने काम ही नहीं किया। तो बहरहाल काम किस तरह से होता है हम ये देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उस नाम से हो, उस नाम से हो। लोग कुरान मजीद की तफासीर लिखते थे तो कोई तफसीर का नाम थोड़ा रख देते थे कि तफसीर है इसका नाम, ठीक, इस तरह से। तो उसूल तफसीर पे भी लिखा जा रहा था लेकिन इस नाम से नहीं लिखा जा रहा था, एक बात तो ये, या इसको बकायदा मौजू बना के नहीं लिखा जा रहा था। उलूम इसी तरह से मुदवन हुई है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कंपाइलेशन में आई। इमाम तबरी की वफ़ात हुई है 310 में, तो आप समझ लें कि दूसरी सदी हिजरी, ठीक है, उसका जो अवाखिर है, सेकंड निसफ है, वो है 200 में। जैसे इब्ने जरीर तबरी ने जो है वो एक बात कही है, जब इस आयत की तफसीर की है ना, वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, सूरह निसा की आयत है, कि ऐ नबी सल्लम जो तो खयानत करने वाले हैं ना, आप इनके तरफदारी ना करें। हुआ ये था कि इब्ने उबैरिक एक नाम आता है, को मुनाफिक था, तो अब इसमें दो किस्म की रिवायात हैं। एक किस्म की रिवायात ये कहती हैं कि एक यहूदी ने उसके पास अपनी ज़िरा बतौर अमानत रखवाई, ठीक है, और उसने उस अमानत में खयानत की, और एक किस्म की रिवायात ये आती है कि उसने चोरी की थी, उसकी ज़िरा चोरी कर ली थी या कुछ भी चोरी कर लिया था, ठीक है। तो इब्ने जरीर तबरी ये दोनों किस्म के अकवाल बयान करते हैं, वो जिन अहले इल्म ने कहा, सलफ़ सालहीन ने, कि ये इसने चोरी की थी, मुनाफिक ने, यहूदी की का वो माल, वो ताम, वो खाना या वो ज़िरा, और कुछ ने कहा कि नहीं, उसने ख़ुद उसके पास रखवाया था, उसने उसमें क्या की, खयानत की।
तो इब्न जरीर तबरी कहते हैं कि अब दोनों में से किस कौल को हम तरजीह देंगे, खयानत वाले कौल को। क्यों? क्योंकि खयानत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और खयानत का लफ्ज़ अहले अरब के यहाँ चोरी के माने में, सरका के माने में मारूफ़ नहीं है, बल्कि अमानत में खयानत के माने में मारूफ़ है। तो इसलिए सलफ़ के अकवाल में से हम उस कौल को तरजीह देंगे जो खयानत की तरफ गया है। तीसरा क्या है? उलूम कुरान की किताबें। अच्छा, उलूम कुरान की किताबों में भी उसूल तफसीर को मुस्तकिल मौजू बहस बनाया गया, बल्कि उलूम कुरान की किताबों में तो बहुत मटेरियल होता है, बहुत मटेरियल। उलूम कुरान की मारूफ किताबों में अल बुरहान है, कुतुब तफसीर के टेक्स्ट, यानी एक ही है ना कि उनके मुकद्दमात, कुतुब तफासीर के बाज मुकद्दमात में मुफसिर क्या करता है, कुछ उसूल बयान करता है। जैसे किसी भी किताब का आथर जो है वो मुकदमे में बयान करता है, भाई मैंने ये किताब जो है वो इस अप्रोच, इस रिसर्च मेथडोलॉजी के तहत लिखी है। और बाद अवकात यह है कि कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर करते हुए उसके मतन में ही वो कोई कायदा बयान कर जाता है, तो वहाँ से भी आप वो उसूल तफसीर निकाल सकते हैं। कंपाइलेशन तो बाद में लोगों ने इसी तरह से किया है ना, वहाँ से जमा करके उनको कंपाइल किया, बाकायदा एक सब्जेक्ट की सूरत में मुदवन किया। उलूम कुरान की मारूफ किताबों में अल बुरहान है, अल बुरहान फी उलूम कुरान अलामा ज़रकशी की किताब है। दो किस्म नंबर उलूम कुरान की जब उन्होंने किस्में बयान की ना, तो 41 नंबर किस्म जो थी उसमें उन्होंने उसूल तफसीर को ले किया, यानी उससे पहले 40 किस्म की उलूम कुरान बयान कर चुके थे। 41वें नंबर पे उसूल तफसीर को, कवायद तफसीर को रखा। इसके बाद एक किताब है, वो ज़्यादा जामे किताब है, अल इतकान, इतकान कहते हैं पुख्तगी को, ये इमाम सुयूती की किताब है। इमाम सुयूती मुतवफ़ा 911 हिजरी, अलामा ज़रकशी की जो वफ़ात है वो है 794 में, 794। अच्छा, सुयूती की जो किताब है ना अल इतकान, ये मैं कहता हूँ जिसने तर्जमा भी करना हो ना उसे भी इस पूरी किताब से गुजरना चाहिए। ये जी 911 में सुयूती का बहुत काम है। लोग इनको कहते हैं या तो ये जिन थे, मतलब 800 के करीब किताबें लिखी, 800 प्लस, वो भी लंबी चौड़ी, हर इलम हर फन में इनकी किताब मिल जाती है। लेकिन यह है कि पिछलों से भी बहुत इस्तेफादा किया, जैसे आप अल इतकान लिखी है ना तो अल बुरहान से बहुत इस्तेफादा किया, लेकिन उस पर एडिशन भी किया। अलामा सुयूती ने उलूम कुरान की 80 किस्में बयान की, 80, यानी 80 किस्म के उलूम हैं जो कुरान फहमी में मददगार होते हैं, कुरान को समझने में, उनमें से एक उसूल तफसीर है जी अल इतकान। अल इतकान का तर्जमा भी मिल जाता है, लेकिन पुराने वाला अगर कहीं से मिल जाए ना वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत नए के। अल इतकान फी उलूम कुरान, लेकिन सही बात तो ये है कि ये अगर आप इससे गुजर जाए ना तो इंसान को ये एहसास होता है कि इसको पढ़े बगैर कुरान मजीद का तर्जमा करना जैसे गुनाह का काम होगा। यानी उसूल एक तो है ना, उसूल तफसीर, उसूल तर्जमा, आप कुरान को एक जुबान से दूसरी जुबान में ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपको किन बातों का लिहाज करना चाहिए, बहुत बुनियादी। एक वक्त था मदारिस के निसाब में थी ये किताब, लेकिन बहुत इसमें, मतलब जिसे कहते हैं ना, इल्म मौजूद है कुरान के हवाले से, जिसे कहते हैं एक समुंदर है। वैसे अरबी में तो दो जिल्दों में है, दो जिल्दों में जी। चौथा जो है वो क्या है? उसूल फिक की किताबें। यानी शुरू शुरू में उसूल फिक की किताबें, जैसे हमने कहा था कि सबसे पहली उसूल फिक की बकायदा किताब जिसे हम कह सकते हैं वो किसकी है? रिसाला इमाम शाफ़ी की किताब है। अच्छा, बाद वाले ने कहा कि ये सिर्फ उसूल फिक नहीं है, ये उसूल हदीस की भी किताब है, ये उसूल तफसीर की भी किताब है, और ये बात दुरुस्त है कि
क्योंकि उसूल फिक बेसिकली क्या है, किताब व सुन्नत को समझने के उसूल है ना। तो शुरू शुरू में उसूल तफसीर के नाम से अलहदा से किताबें इसलिए भी नहीं लिखी गई कि उसूल फिक में ही इनको कवर कर लिया जाता था। और उसूल फिक की बाज़ किताबें तो ऐसी हैं कि जिनका गालिब हिस्सा उसूल तफसीर पर मुश्तमिल है, जैसे इमाम शातबी की किताब अल मुआफकात, उसका जो कुरान वाला हिस्सा है वो कमाल है, सुन्नत वाला भी। बल्कि इसके बाद तीसरा मरला आता है कि जब उसूल तफसीर के नाम से बाकायदा किताबें क्या हैं मुदवन की गई, तो सबसे पहली किताब उसूल तफसीर के नाम से वो शाहउल्लाह देलवी की किताब है सबसे पहले। अच्छा, ये जो मुकदमा फी उसूल तफसीर है ना इब्ने तैमिया की, इब्ने तैमिया हालांकि शाहउल्लाह देलवी से पहले, ये नाम उन्होंने ख़ुद नहीं रखा था इब्ने तैमिया ने, ये नाम भी बाद में मुहक्किक ने दिया है। उनसे असल में किसी ने सवाल किया था कि जी आप हमें बताएं कि किस तरह से मतलब हक और बातिल और हर किस्म की तफसीरें मौजूद हैं, जो चाहता है कुरान से अपने अकीदा जो है वो निकाल लेता है, तो आप हमें कोई रहनुमाई कर दें। तो साहिल के सवाल का जवाब दिया था इब्ने तैमिया ने, तो उस जवाब को मुहक्किक ने, रिसर्चर ने क्या किया, अपनी तरफ से उनवान दिया मुकदमा फ़ी उसूल तफसीर। है वो ठीक है, उसूल तफसीर ही है, लेकिन वो उनवान इबन तैमिया की तरफ से नहीं था रहिमहुल्लाह। तो उसूल तफसीर पे के नाम से बाकायदा पहली किताब वो शाहउल्लाह देहलवी की है, अल्फौजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर। और आमतौर पर मदारिस में यही दाखिले निसाब है, छोटा सा रिसाला है, छोटा सा अल्फौजुल कबीर, अल्फौजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर। बेसिकली ये फ़ारसी में था, तो बाद में अरबी में भी उर्दू में भी इसका तर्जमा किया गया। नहीं, वो तो बाद में हुआ ना, जैसे सुलेमान नदवी साहब ने किया इसका तर्जमा अरबी में। शाहउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल तफसीर में कुछ बहरल इजाफे किए, जैसे एक अच्छा इजाफा उनकी तरफ से ये था कि कुरान मजीद के मेजर टॉपिक्स, उन्होंने ये मौजू, वैसे पहले भी ये आता था कुरान मजीद के मौजूआत क्या हैं, उलूम कुरान की किताबों में आता था, लेकिन वो उसको उसूल तफसीर में लेके आए। तो उन्होंने कहा कुरान मजीद के 5 मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, अहकाम यानी शरिया, इल्मुल जदल मुनाजरा, मतलब जैसे मुशरिकीन को खिताब किया जाता है, ठीक, जदल जिदाल से मुशरिकीन से अल्लाह के मुनकरों से, वो एक अंदाज़ होता है ना कुरान का, एक ख़ास अंदाज़। इसी तरह तज़कीर भी आला इल्ला, यानी अल्लाह की नेमतों के ज़रिए से अल्लाह ताला याद दहानी करवाते हैं, तो ये एक तीसरा मेजर टॉपिक है। तज़कीर भी अय्याम इल्ला, अल्लाह ताला पिछली कौमों के हालात और वाक़ियात, जो बड़े बड़े दिन आए हैं अज़ाबों वाले दिन, उनके ज़रिए से तज़कीर कराते हैं। और इसी तरह मौत के हवाले से जो तज़कीर होती है, या मौत के बाद के जो अहवाल हैं, जी पहले अहकाम यानी शरिया के अहकाम वगैरह बयान किए गए, ठीक है। दूसरा इल्मे जदल है, जैसे मुशरिकीन को मुखातिब करके या ईसाइयों को या यहूदियों को झंझोड़ा जाता है ना, और सख्त कमेंट्स भी आते हैं, ज़ाहरी बात है, तो ये इल्मुल जदल है, उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गज़ब हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से ये चीज़ें ले आते हैं, उनके पास उनके शिर्क की दलील है कहाँ से, तो ये इस तरह से। तीसरा तज़कीर भी आला इल्ला, अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र होता है कि अपने इर्द गिर्द देखो, ज़मीन आसमान ये सब अल्लाह की नेमतें, और तज़कीर भी अय्याम इल्ला, पिछली कौमों के हालात और वाक़ियात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद। और पांचवा तज़कीर बिल मौत, यानी मौत के हवाले से या मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ, जन्नत जहन्नम का तज़किरा है। तो कुरान का बड़ा मौजू जो है, तीन बड़े मौजूआत तज़कीर हैं, ये बहुत अहम बात है।
तो मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान जो है, अगरचे उनसे बहुत जगहों पे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी जो तफसीर का नाम रखा है ना, वो बात ठीक है। तज़कीरुल कुरान, कुरान मजीद कोई फ़िक की किताब नहीं है, ये बेसिकली तज़कीर की किताब है, ना ये कोई फ़लसफे की किताब है, ना ये कोई साइंस की किताब है। अब एक वो अलामा तंतावी साहब हैं मिस्र के, यकीन माने उनकी आप वो तफसीर उठा के देखें जवाहिरुल कुरान, वो बायोलॉजी की किताब मालूम होती है। अभी रिसेंटली ठीक है, वो सारी उन्होंने वो जब बायोलॉजी की किताब में जो आप देखते हैं ना न्यूक्लियस और ये वो सारी तस्वीरें छापी हुई हैं। नहीं इतना नहीं, वो अब एक अप्रोच उसमें लोग, तो ना ये साइंस की किताब है, बुक ऑफ साइंस भी नहीं है, ना ये फ़लसफे की किताब है कि दुनिया जहाँ का फ़लसफा इससे निकालते रहें, ना ये अहकाम और फिक की किताब है कि हर दूसरी आयत से आप अहकामात निकालते रहें। ये बेसिकली तज़कीर वाज़ु नसीहत है। कुरान ने ख़ुद कहा है ना कि ये क्या है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, नसीहत के लिए। इन्ना अनज़लना इलैका ज़िक्र, ज़िक्र हमने आपकी तरफ नाजिल किया, यानी कुरान के नामों में से एक ज़िक्र है। तो इसका असल ऑब्जेक्टिव जो है वो नसीहत है, यानी मोटिवेशन है, ईमान को ताज़ा करना है कि जिसकी बुनियाद पे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आए, हरकत आए। तो मुस्तकिल मरहला तदवीन जो है, इसमें अब तो बहुत किताबें लिखी जा रही हैं, ठीक है। तो उसूल तफसीर के ऊपर एक किताब है दुक्तूर फहद अरूमी की, ये भी उसूल तफसीर पे इनका काफ़ी काम है। फहद अरूमी, उसूल तफसीर व मनाहिजुहू, यानी तफसीर के उसूल और उसकी अप्रोचेस। सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना बेहतरीन काम जो मुझे लगा, वो इन्हीं का है, दुक्तूर मुसाइद अत्तैयार का, मुसाइद जिनकी ये किताब है अत्तहरीर फी उसूल तफसीर, इनकी एक और किताब है फसूल फी उसूल तफसीर, यानी चैप्टर्स उसूल तफसीर में। दुक्तूर मुसाइद अत्तैयार, जाफर अत्तैयार जैसे था ना, अरे जाफर अत्तैयार उसे था। और बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं, कवायद तफसीर है दुक्तूर खालिद असबत की, मतलब उसूल तफसीर के नाम से अब बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बीसियों किताबें मौजूद हैं। कवायद तफसीर है दुक्तूर खालिद। नेक्स्ट क्या है, मसादर तफसीर, सोर्सेज क्या हैं तफसीर के, तफसीर आपने कहाँ कहाँ से लेनी है या ली जा सकती है। कुरान मजीद, कुरान के ज़रिए से तफसीर, सुन्नत नबवी, आसार सलफ़, आसार सलफ़ में क्या आ जाता है, सहाबा ताबीन तबा ताबीन, लुगत इसराइलियात, हर एक सोर्स का दर्जा सेम नहीं है जी। इसराइलियात से मुराद जो है वो यहूदी रिवायात, ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पिछली कौमों से मुताल्लिक है, जैसे यहूद की हिस्ट्री से मुताल्लिक है। अब पहला पारा आप पढ़ते चले जाएं ना, तो पहले पारे का बड़ा हिस्सा जो है वो यहूद के बारे में है कि जब वो मिस्र से निकले हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको लेके निकले हैं, फ़लस्तीन तक दरमियान में जो सहराए सीना से गुजरे हैं, तो मुख्तलिफ़ वाक़ियात हुए। तो अब ये चूँकि उनकी हिस्ट्री है ना, उनकी तारीख है ना, तो इसमें उन्होंने बहुत कुछ गुफ्तगू कर रखी है, या उनकी किताब में है बाइबल में। इसराइलियात सिर्फ बाइबल नहीं है, ठीक है, किताब मुकद्दस यानी तौरात में से भी, उसमें भी उनकी हिस्ट्री है, इसके अलावा भी उनकी जो तारीख है, तो उसको हम इसराइली, हजरत इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था ना, तो उससे इसराइलियात यानी यहूदी रिवायात। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उनसे हमने कुरान मजीद की तफसीर करनी है, इसको हम आगे चल के बयान करेंगे कि इस हवाले से उसूल क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं।
अल्लाह के रसूल ने क्या बयान किया, किसका स्टेटस क्या है। यानी हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहले कुरान मजीद, तफसीरुल कुरान बिल कुरान। देखिए अहम बात क्या है कि कुरान मजीद की कुरान के ज़रिए तफसीर ये तीन किस्म की है। एक वो जो नबवी है, यानी अल्लाह के रसूल से सल्लम ने कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से कर दी, ये तो हुज्जत है। दूसरी जो एग्रीड अपान है, मुजमा अलैह का मतलब क्या, एग्रीड अपान है, यानी कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से सब ने की या किसी ने उसमें इख्तलाफ नहीं किया, तो ये भी हुज्जत है, हुज्जत से मुराद बाइंडिंग है। तीसरी जो है वो कुरान मजीद की तफसीर वो है जिसमें इख्तलाफ हो गया, कुरान की कुरान के ज़रिए तफसीर की गई एक आयत की दूसरी आयत से तफसीर की गई लेकिन क्या है उसमें इख्तलाफ है, तो ये हुज्जत नहीं है। ये बेसिकली तफसीर बिल राय है, ये बात ज़हन में रखनी है। ये क्या है, ये तफसीर बिल मासूर नहीं है, ये तफसीर बिल राय है। यानी ये ना हो कि कोई आपको कहे कि जी मैं तो कुरान के ज़रिए तफसीर कर रहा हूँ, तो आप मान ही नहीं रहे, आप तो कुरान का इनकार कर रहे हैं। अच्छा ये हमारे यहाँ मसला पैदा हुआ ना, जो मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं कुरान मजीद की तफसीर में, उनमें से एक मकतब फ़राही की है, फ़राही स्कूल ऑफ थाट की, वो क्या है, उसको वो नज़्म कुरान का नाम देते हैं। अगरचे यह है मॉडर्न नहीं, वैसे वो कहते हैं जी हमने इसको दरियाफ्त किया, ये पहले से चली आ रही है, इस पर हम किसी वक्त मुस्तकिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको मुनज़्ज़म किया है, ये बात दुरुस्त है, उन्होंने इस पर काम किया, इस अप्रोच पे। तो नज़्म कुरान से क्या मुराद है कि कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर करना उसके कॉन्टेक्स्ट की रोशनी में, सियाक व सबाक, यानी अगली और पिछली आयात को सामने रखती हुई, इसको नज़्म कुरान कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि नज़्म कुरान के ज़रिए जो तफसीर है ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान है, इसलिए ये बाइंडिंग है, ये बात गलत है। वो तफसीरुल कुरान बिल कुरान तो है लेकिन वो तफसीर बिल मासूर नहीं है, वो इज्तिहादी तफसीर है। यही वजह है कि मकतब फ़राही में आप देखते हैं कि हमीदुद्दीन फ़राही साहब थे ना, उनके शागिर्द, उनकी दो जिल्दों में तफसीर है, तफसीर फ़राही। फिर इस्लाही साहब उनके शागिर्द थे, तदब्बुर कुरान के नाम से उन्होंने तफसीर लिखी। फिर गामदी साहब इस्लाही साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने भी जो है वो फ़राही साहब की तफसीर है, तफसीर फ़राही के नाम से, उन्होंने लिखी नहीं थी लेकिन उनके शागिर्दों में से किसी ने उसको मुरतब कर दिया, तफसीर फ़राही, मजमूआ तफसीर फ़राही। उन्होंने जिन आयात की तफसीर की थी तो वो किसी ने उसको मुरतब कर दिया। फ़राही साहब के शागिर्द इस्लाही साहब थे, मौलाना मीन अनस इस्लाही, तो इन्होंने बाकायदा तफसीर लिखी तदब्बुर कुरान के नाम से। इस्लाही साहब के शागिर्द गामदी साहब हैं, अब इनकी भी आ गई है, गालबन क्या बयानुल कुरान के नाम से है। तो अब आप देखते हैं बाज़ आयात की तफसीर में, अच्छा अप्रोच तीनों की सेम है, मतलब तीनों का क्लेम ये है कि हमारे नज़दीक कुरान मजीद की तफसीर में सबसे ज़्यादा अहमियत नज़्म कुरान की है, कुरान के कॉन्टेक्स्ट की, सियाक व सबाक की। लेकिन एक आयत की तफसीर में इस्लाही साहब कहते हैं कि जी नज़्म कुरान ये कह रहा है, मिसाल के तौर पे वो जो पर्दे से मुतालिक आयात है, सूरह अज़ाब में है ना, तो इस्लाही साहब उन आयात की तफसीर करते लिखते हैं कि नज़्म कुरान का तकाजा ये है कि आम औरतें चेहरे का पर्दा करेंगी। गामदी साहब उन्हीं आयात की तफसीर में लिखते हैं कि नज़्म कुरान का तकाजा ये है कि औरत के लिए चेहरे का पर्दा नहीं, ठीक है। तो अब बात अप्रोच सेम है दोनों का, उस्ताद शागिर्द भी हैं,
तो ये जो असल में कहने का मकसद ये है ना कि ये जो धोखा दिया हुआ है लोगों को कि जी हम तो कुरान के जरिए तफसीर कर रहे हैं तो आप कुरान को नहीं मान रहे, ये गलत बात है। आप इसको इश्तिहादी तफसीर बनाएं, ये कुरान के जरिए तफसीर होती है, तो आप दोनों में क्यों इख्तलाफ होता है? चले हमारा तो समझ में आता है कि हमारा तो स्कूल ऑफ थाट हो रहा है, हमारे सोचने का अंदाज हो रहा है, वहाँ तो आप ये बात कह सकते हैं। जब आपका एक ही स्कूल ऑफ थाट है, एक ही अप्रोच है, एक ही टेक्निक आपने अप्लाई की है, एक ही टेक्स्ट है, एक ही मतन है, रिसर्च मेथडोलॉजी सेम है, उस्ताद शागिर्द हैं, एक ही आयत के बारे में दो अपोजिट रिजल्ट्स निकाल के जब आप देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपका इज्तिहाद है। अल्लाह की तरफ से अगर वो नाजिल शुदा होती, यानी वो तफसीर अगर उस तरह से होती जैसे अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा कुरान है, तो फिर आप दोनों का इख्तिलाफ ही ना होता। ठीक है, तो ये बात समझने की है, इसको समझने की ज़रूरत है। तफसीरुल कुरान बिल कुरान के नाम से जो कुछ पहुँचे तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आमन्ना व सद्दक ना कह के कबूल कर लेना चाहिए, बल्कि उसमें बहुत कुछ बाज़ औक़ात मुफस्सिर का इश्तिहाद होता है, यानी वो तफसीर बिल राय होती है, वो तफसीर बिल मासूर नहीं होती। तो तफसीरुल कुरान बिल कुरान अगर तफसीर बिल मासूर है तो वो हुज्जत है, वो बाइंडिंग है, उसको मानना लाजिम है। तो वो मैंने बताया दो सूरतों में हो सकती है, जब उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत को दूसरी आयत की तफसीर बना दिया, या उसके ऊपर अहले इलम का इजमा हो गया कि ये आयत उस आयत की तफसीर है। और दूसरी सूरत क्या है कि उसमें इख्तलाफ हो जाए, तो वो फिर तफसीर बिर राय है, वो तफसीर मुख्तलफी है, वो हुज्जत नहीं, वो तफसीर बिर राय है। तफसीर बिर राय बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर ठीक है आप करना चाहते हैं आप कर लें, ठीक, लेकिन उसको तफसीर बिर राय कहें ना, ये तो ना कहें तफसीरुल कुरान बिल कुरान। अच्छा, उसकी वजह से क्या करते हैं तफसीरुल, असल में करते क्या हैं, तफसीरुल कुरान बिल हदीस को मरजू करार दे देते हैं। वो कहते हैं हम हदीस के ज़रिए तफसीर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कुरान खुद कुरान की तफसीर कर रहा है, उसको हम तरजीह दे देंगे। हालांकि जो जिसको वो कह रहे हैं कि कुरान कुरान के ज़रिए तफसीर कर रहा है, वो बेसिकली वो उनकी अपनी राय के ज़रिए कुरान की तफसीर है, तो उनको हदीस को तरजीह देनी चाहिए। तो ये कुरान और हदीस का टकराव नहीं है, बेसिकली वो टकराव बनता है उनकी राय और हदीस का, जिसको उन्होंने कुरान और हदीस का टकराव बयान करके मतलब इस एतबार से अपने आप को सच्चा साबित करें, देखिए जी हमने कुरान को ही हदीस पे तरजीह दी है ना, कुरान को दी है ना, अब क्या करेंगे? कहीं नीचे कोई दर्जा तो आ जाएगा ना, असल बात यही है। तफसीर बिर राय जो है ना, देखें उसकी दो किस्में हैं, एक महमूद है एक मजमूम है। तफसीर बिर राय अगर तफसीर बिल मासूर से जो कि बाइंडिंग है, ठीक है, तो उससे अगर टकरा ना रही हो तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उससे टकरा रही हो, यानी तफसीर बिर राय अगर हदीस से टकरा रही है, फिर जाहिर बात है वो मजमूम है, उसको आप साइड पे कर देंगे। इसको इस्तेलान तफसीर कुरान में कुरान ही कहेंगे, लेकिन कहेंगे गैर हुज्जत, क्या ये अलग कैटेगरी नहीं? नहीं, देखिए है तो कुरान बिल कुरान ही ना, आगे इसकी मिसालें आ रही हैं, सलफ में भी ये था, इसकी मिसालें आ रही हैं, लेकिन वो उसको इस्तिंबात कहते थे, वो इसको समझते थे उसकी हैसियत को, वो उसको लोगों के ऊपर थोपते नहीं थे कुरान के नाम पे। हाँ, उन्होंने फर्क वाजे किया था कि नहीं, उस तरह से नहीं है, उस तरह से नहीं है, बस यही है कि तफासीर में जैसे जो तफसीर बिलमासूर के ज़खायर हैं, जैसे तफसीर तबरी है, इब्न कसीर है, या उर्दू में आप देखना चाहें तफसीरुल कुरान है मौलाना अब्दुर्रहमान गिलानी साहब की, तो इस एतबार सेपरेट नहीं, नहीं उस तरह से नहीं, किसी ने मेहनत नहीं की। तो नबवी की मिसाल जैसे सही बुखारी की रवायत है कि जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, अल्लदीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, कि जो लोग ईमान लेके आए और फिर उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश नहीं की, तो ये लोग हैं जो कि अमन में होंगे। तो साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जुल्म तो हर कोई कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल ने इस पर क्या कहा था कि तुम ये आयत क्यों नहीं पढ़ लेते, इन्ना शिरका
لظلم العظیم، کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ عام ظلم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی لفظ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے. تو یہ نبوی تفسیر ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے وعندہ مفاتح الغیب، اللہ کے پاس کیا ہیں؟ غیب کی کنجیاں ہیں. تو بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث. تو ایک آیت کو اللہ کے رسول نے دوسری آیت کی تفسیر بنایا، کہ جو کہا گیا نا ایک آیت میں کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجی ہے، تو دوسری آیت میں کیا ہے کہ اللہ کے پاس پانچ چیزوں کا علم ہے جن کا علم عام طور پہ انسان کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، قیامت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، بارش کا علم ہے ماں کے پیٹ میں، تو اور کل کوئی کیا کمائے گا اور کہاں کسی کو موت آئے گی. تو تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے اس کی کئی صورتیں، عام کی تخصیص ہو جائے. قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے ولا تنکح المشرکات، مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو. اب مشرق کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے، الف لام آ گیا نا، یعنی مشرق وہ بت پرست ہو، وہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، یعنی اہل کتاب میں سے ہو، تو اس سے کیا کرو؟ نکاح نہ کرو. یہ عام ہے ولا تنکح المشرکات. وہ اسی سے بعض اہل حدیث یہ بھی نکال لیتے ہیں نا بریلویوں سے نہ کرو. جی یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے نا، مطلب ایمان تو اہل حدیثوں کے نزدیک ہوگا کہ توحید، مطلب اہل حدیث وہی ہے نا، ایمان تو وہ پہلے سے لائی ہوئی ہے. ساری بات چلیں باہر. تو یہ ہے عام ولا تنکح المشرکات، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ کیا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، یعنی مومن پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرنا، اور اہل کتاب کی عورتوں سے بھی اگر وہ پاک دامن ہوں، یعنی یہ شرط لگائی، ان سے بھی تمہارے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ الاؤڈ ہے، جائز ہے. تو ایک آیت عام ہے، دوسری خاص ہے. تو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرنا، یعنی ولا تنکح المشرکات میں آپ کہیں گے اس سے مراد بت پرست عورتیں ہیں یا ہندو ہیں، اس سے مراد اہل کتاب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک دوسری آیت میں اہل کتاب کے ساتھ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، یعنی مسلمان عورت نہیں کر سکتی اہل کتاب کے مردوں سے، لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، یہ ایک اجازت ہے. دوسرا کہ مطلق کی تقیید، مطلق کہتے ہیں جس پہ کوئی قید نہ ہو، تقیید قید لگانا، کنڈیشن. ناسخ و منسوخ میں ہم پڑھیں گے ہمارے یہاں بہت مبالغہ ہوا، کچھ لوگوں نے 500 پلس آیات کو منسوخ قرار دے دیا، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں بھی جب ہم قانون بناتے ہیں نا، تو قانون انسان بھی ایسا نہیں بناتا کہ چند سالوں بعد اس کو منسوخ کرنا پڑ جائے، ایسا نہیں. تو یہ منسوخ جو ہے نا، بیسیکلی یہ بات درست ہے کہ نسخ جو ہے ایک عیب ہے، تو قرآن مجید میں اس کو زیادہ سے زیادہ تلاش کرنا یہ کوئی حکمت نہیں ہے. اس لیے امام سیوطی نے کہا 25، وہ تو بھلا شاہ اللہ دہلوی کا رحمہ اللہ، انہوں نے کہا 5 آیات ہیں جو منسوخ ہیں، وہ بھی کلی طور پہ نہیں ہیں، ان کا ایک جز منسوخ ہے. ان 5 میں بھی حکم کسی نہ کسی صورت میں آج بھی باقی ہے. ہاں شرط ہے، وہ تو قرآن میں آ گیا نا مطلق، جیسے قرآن میں ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض،
अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और इस्तिगफार करते हैं, किसके लिए, लिमन फिल अर्ज़, जो ज़मीन में है उसके लिए फरिश्ते क्या करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। अब ज़मीन में कौन है, काफिर भी है मुसलमान भी है। लेकिन कुरान मजीद में एक और आयत है सूरह गाफिर में, अल्लदीन यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्द रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तग़फिरून लिल्लदीन आमनू, वहाँ ये है कि फरिश्ते जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और इस्तिगफार करते हैं, लिल्लदीन आमनू, अहले ईमान के। अब बाद मुफस्सिरीन इस तरफ चले गए, उन्होंने कहा कि जी वो मुतलक है, ये मुकय्यद है, तो वहाँ लिमन फिल अर्श से मुराद क्या है, अहले ईमान। इस आयत से आप उसकी तफसीर करेंगे, मुतलक को वहाँ पे आप क्या करेंगे, मुकय्यद कर देंगे, यानी वहाँ जो मीनिंग होंगे वो आम नहीं होंगे, एब्सोल्यूट नहीं होंगे, बल्कि कंडीशनल होंगे। लेकिन कुछ अहले इल्म ने कहा कि नहीं, आप दोनों मानी को क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे, वहाँ पे मुराद ज़मीन वाले हैं, अहले ज़मीन है, यहाँ पे मुराद अहले ईमान है, बस इस्तिगफार के माने में फ़र्क कर लें, ठीक है। काफ़रों के लिए फ़रिश्तों का इस्तिगफार क्या है, कि या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, और अहले ईमान के लिए उनका इस्तिगफार क्या है, कि या अल्लाह इनके गुनाह माफ़ कर दे। अब काफ़रों के लिए तो फरिश्ते इस्तिगफार नहीं ना कर सकते कि या अल्लाह इनके गुनाह माफ़ कर दे, वो तो हालत ईमान में नहीं है ना, तो उनके लिए इस्तिगफार ये है कि इनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे, जिससे उनके गुनाह माफ़ हो जाए। लफ्ज़ का लफ्ज़ से बयान, बस ये आखिरी मिसाल है, फिर उसके बाद हम इसको ना समेटते हैं। इब्ने जरीर तबरी, अच्छा एक ताबीन में से एक बड़े ताबी हैं, अब्दुर्रहमान बिन जैद, अच्छा दो लोग बड़े मारूफ हैं, मतलब तबा ताबीन में से, कि जो तफसीरुल कुरान बिल कुरान करते हैं, एक मुकातिल और एक ही अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम। ये बहुत ज़्यादा तफसीरुल कुरान बिल कुरान करते हैं। तो ये उनकी तफसीर है इब्ने जैद की। कुरान मजीद में एक आयत है, उहशुरुल्लदीना ज़लमू व अज़वाजहुम। अब ज़रा नुक्ता देखिएगा, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम, मतलब फरिश्तों को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन आर्डर करेंगे, हुक्म करेंगे कि जमा करो उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया व अज़वाजहुम और उनकी, अच्छा आम तौर पे यहाँ अज़वाज का माना किया गया उनकी बीवियों को, तो उन्होंने इसका ये माना नहीं किया, ठीक है, कि ज़ालमों यानी मुशरिकीन या काफिर और उनकी बीवियाँ, वो भी काफिर ही थीं आम तौर पे, तो यही होता है मुसलमान हो जाएं तो फिर तो वो निकाह बाकी नहीं रह जाता, तो उस मानी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो राजे माने नहीं है। तो उशरुल्लदीन ज़ालमू अज़वाजहुम, अल्लाह ताला कहेंगे कि ज़ालमों को जमा करो और उनके अज़वाज को। तो इब्ने ज़ैद ये कहते हैं यहाँ अज़वाज से मुराद उनके लाइफ पार्टनर्स नहीं हैं, उनकी बीवियाँ नहीं हैं, बल्कि इससे मुराद अज़वाजहुम फिल आमाल, जो आमाल के अतबार से उनके जोड़े बनते हैं। यानी जो आमाल में जैसे उन्होंने इस इस्तदलाल कहाँ से किया, फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी, वक्त सूरा उसमें है ना अलवाकिया में, वकुंतुम अज़वाजन सलासा, तुम तीन अज़वाज से मुराद क्या है, गुरु बन जाओगे, ठीक है, एक असहाबुल यमीन होंगे, एक असहाबुल शिमाल होंगे, एक असाबिकून होंगे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, ये तीन जो अज़वाज बनाए गए, तीन ग्रोह बनाए गए, ये आमाल के अतबार से बनाए गए ना, कुछ के आमाल ज़्यादा अच्छे थे तो वो साबिकून में चले गए, कुछ के अच्छे थे लेकिन कम अच्छे थे उनकी निस्बत तो वो असाबुल यमीन में चले गए, कुछ के बुरे थे वो असाबुल शिमाल। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या मुराद है, अल्लाह ताला ये कहेंगे कि ज़ालिमों को और
उनके जैसे जिनके आमाल थे, यानी वहाँ जो ग्रुपिंग होगी वो आमाल के एतबार से होगी, सारे जालिम भी एक ग्रुप नहीं होंगे, जैसे सारे नेक लोगों का एक ग्रुप नहीं होगा, साबिकून भी होंगे, असहाबुल यमीन भी होंगे, इसी तरह जालिमों के भी ग्रुप्स होंगे। तो ये मुराद है। फिर उन्होंने एक और आयत से भी इस्तदलाल किया, व इधर नुफूसु ज़ुव्विजत, ठीक है, सूरह तकवीर में है ना कि क्यामत वाले दिन के अहवाल अल्लाह ने बयान किए कि जब जो जाने हैं उनके जोड़े बना दिए जाएंगे। अच्छा, इसका तर्जमा बाद लोगों ने इसकी तफसीर ये भी की है कि यहाँ जोड़े से मुराद क्या है कि रूह को जो है वो बदन में डाल दिया जाएगा। तो ये है जोड़ा, यानी अल्लाह ताला जिंदा करेंगे, इस तरफ इशारा है, लेकिन ये मरजू तफसीर है। असल में राजे तफसीर क्या है कि जोड़े पुराने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला नेक लोगों का ग्रोह अलहदा कर देंगे, बदकारों का ग्रोह अलहदा हो जाएगा, मतलब ये रिश्वत खोर हैं, ये सूद खोर हैं, ये बदकार हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से जोड़े बनेंगे। चलें जी, सुभानकल्लाह व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।